नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं आशीष और मेरे साथ है राकेश के। मोहित गुरु, यार क्या नाम से बुलाऊं मैं आपको, ये बताइए। वैसे तो मेरा नाम मोहित मारवा है, पर आजकल मैं प्रेम सहगल बना हूं। प्रेम, कैप्टन प्रेम सहगल। अच्छा, कैप्टन प्रेम सहगल। आजाद हिंद फौज, बहुत रिस्पेक्टेड नाम है, आप कितना कनेक्ट कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। इनफैक्ट कल ये पिक्चर खत्म करने के बाद और ये सब इस पिक्चर हिस्सा बनने का, एक साल की जो हमने रिसर्च और जो इस पिक्चर के साथ जुड़े वो सब खत्म करने के बाद कल हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के म्यूजियम में गए थे कलकत्ता, और वहाँ जाके एकदम बड़ी इमोशनल सी फीलिंग आ गई। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम तो इस टॉपिक से काफी कनेक्ट हो चुके हैं, अब इससे निकलने में टाइम लगेगा। अच्छा, एक सुन भी रही थी, हिस्ट्री की बात हो रही थी, आपको हिस्ट्री में कितने मैक्सिमम नंबर्स मिले? मेरे ख्याल से मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, पर 60% टाइप रहा हूं। वैसे बारे में मैं आपको बता दूं, जो 60%ers होते हैं, यार मोर इंटेलिजेंट। अरे क्या बात, इट्स अ स्टडी, इट्स अ स्टडी। ओके, आजाद हिंद फौज के बारे में जब आपने पहली बार सुना कि आप ऐसी कोई फिल्म करने वाले हैं, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं एक्चुअली मैं तिग्मांशु तुलिया के साथ काफ़ी टाइम से काम करना चाहता था, और जब मैं उन्होंने मुझे बुलाया और इस पिक्चर की नरेशन दी तो मैं बहुत एक्साइट हुआ, बिकॉज कहानी जो है इसमें इतना कुछ है कि ये कहानी जो एक है तो रियल लाइफ स्टोरी, ये आपके एक आज़ादी की लड़ाई की बहुत बड़ी कहानी है, पर इसमें इतना मसाला और इतना मटीरियल ऑलरेडी है जो असल में मतलब उस जमाने में हुआ था, तो ये एक स्क्रीन प्ले की तरह ही है। तो आपने हमने मेरे को लगा कि पहले अभी तक किसी ने इस पर पिक्चर बनाई क्यों, वो मेरा सबसे पहला थॉट था, बिकॉज ये तो एक कहानी ऐसी थी कि इट्स रेडी टू बी पिक्ड अप एंड मेड इनटू अ फिल्म। तो जब मैंने कहानी सुनी मैं बहुत एक्साइट हुआ, पर थोड़ा सा जो है थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई कि मुझे इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था हमारे, क्योंकि स्कूल में नेताजी की बात होती है, सुभाष चंद्र बोस की बात होती है, गांधी जी ने मुझे, पर इंडियन नेशनल आर्मी की इतनी और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका इंडिपेंडेंस में, तो ये हमारी किताबों में तो नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो एक इसके मैसेंजर भी बन जाएंगे, इस पिक्चर के साथ जुड़ जाते हैं, एंड वी टेक दिस स्टोरी एंड वी टेक इट टू पीपल्स थिएटर्स एंड हाउसेस। सी, आप नई जनरेशन, मुझे नई जनरेशन कनेक्ट करेगी, शायद आप जैसे उन्होंने इतनी पढ़ाई शायद नहीं की होगी। हाँ, तो पढ़ाई तो जैसे मैंने मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं था, पर बेसिकली मेरे हिसाब से जो मेरी जनरेशन है, जो करंट जनरेशन है, वो पिछली जनरेशन से कहीं ज़्यादा पीढ़ी हुई, और बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि उनको पेट्रियोटिज्म का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा स्कैटर हुआ हुआ है, दे जस्ट नीड, उनको डायरेक्शन चाहिए, एंड देन दे नो। मैं जिससे भी बात करूँ लोगों की इतनी एक्साइटमेंट है इस टॉपिक को, इस पिक्चर को देख के, और यू नो मैंने उस दिन अपना इसका ट्रेलर जब निकला था मैंने अपने फेसबुक पेज पर लगाया, और जिस तरह से रिएक्शन आए और जिस तरह से इनकी पूरी डिबेट शुरू हो गई है नीचे कॉमेंट्स में, और जो है लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ से एक पूरा एक कमाल का जो एक माहौल बन गया है उस पोस्ट के ऊपर, तो वो देख के आई वॉज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि लोग ने ओपन आर्म्स से इस पिक्चर के ट्रेलर को और इस पिक्चर को एक्सेप्ट किया। तो कैप्टन प्रेम बेसिकली एक अच्छे खासे धीरे खानदान के थे, इनके फादर लॉ और हाईकोर्ट के जज थे, और ही वॉज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, ये इंडियन मिलिट्री अकेडमी में अपनी पढ़ाई की थी, और फिर एक कम्फर्टेबल लाइफ जी रहे थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अच्छी पोस्ट में ज्वाइन कर ली थी, पर उसके बाद जब इनको मौका मिला और ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि ही कुड फाइट फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लड़ सके, तो उन्होंने वो मौका लिया, तो वो समझना बहुत जरूरी था कि ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना जिसको जब अपॉर्चुनिटी मिली, अब उस टाइम पे कह भी सकते थे कि नहीं यार आई गो बैक टू अपनी लव लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपने कंफर्टेबल कंफर्ट जोन में वापस जाता हूँ, पर इन्हें ऐसा नहीं किया, इन्हें कॉम्प्रोमाइज किया, अपने देश के लिए किया, तो वो जो पैशन था वो समझने का बहुत जरूरी था, वो पैशन को रिक्रिएट करना स्क्रीन पे वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मैंने करने की कोशिश की। आई एम श्योर होगा, लेकिन मुझे बताइए आपने अपने हिसाब से सबसे ज्यादा पैट्रियोटिक चीज क्या है? मैंने अपने हिसाब से मुझे लगता है कि पेट्रियोटिज्म इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, पेट्रियोटिज्म इज नॉट अबाउट गोइंग ऑन ट्विटर और ये जाके वहाँ पे रेंटिंग करना या किसी और देश को बुरा भरा कहना, या जाके आप
कोई पॉलिटिकल पार्टी को गाली देना वो पेट्रियोटिज्म नहीं है मेरे हिसाब से. पेट्रियोटिज्म, हाँ मेरे हिसाब से पेट्रियोटिज्म वो है देश का भला करो ना यार, काम अच्छा करो. अब जैसे मैं एक्टर हूँ, मैं अच्छा एक्टर बनूंगा, बहुत अच्छा एक्टर बनूंगा, अपना नाम और अपने देश का नाम वर्ल्ड लेवल पे लेके जाऊंगा, वो पेट्रियोटिज्म है. आप जिस भी फील्ड में आप ट्राई एंड आप इतना अच्छा करने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी कंट्री के स्टैंडर्ड और नेम को ऊपर लेके जाए, वो पेट्रियोटिज्म. दिल्ली में पड़ा पड़ा हूँ, छुटा 26 जनवरी की परेड के लिए काफी साल गया परेड में. मेरे फादर वाज आल्सो एक फोर्सेस में थे तो परेड में एक परेड के पार्ट को लीड करते थे. तो मेरे घर में जो देशभक्ति थी वैसी फूट फूट के भरी थी और उन्हीं की कुछ चीजें जो और उनका माइंड सेट है जो मेरे अंदर भी है. तो ये वो भी अपना हर संडे जो था देश के नाम और इस फोर्सेस के नाम करते थे, एक ऑनररी सर्विस होते हुए. तो हम बचपन में कहते थे यार हमारे सारे संडे खराब होते हैं, हमारे फादर तो चले जाते हैं. तो वो हमने भी बचपन में वो कॉम्प्रोमाइज किया और बट आई एम हैप्पी कि उसकी वजह से हमारे अंदर एक देश भक्ति और एक पेट्रियोटिज्म हमेशा अलाइव रहा. और अब मुझे लग रहा है कि बिकॉज आई एम एन एक्टर, एज एन एक्टर बाई डूइंग एक ऐसी पिक्चर का मैं हिस्सा बन रहा हूँ जो कि एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है पेट्रियोटिज्म की बता रही है. तो आई थिंक आई एम डूइंग माई स्मॉल टर्म, पर अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है. और जैसा जैसा मौका मिलता जाएगा करते जाएंगे कुछ. थैंक यू. आई एम श्योर ये जो बताना चाहते हैं देश को दुनिया को, वो देश के जरिए बहुत सुनहरे तरीके से लोगों के दिलों में पहुंचा रहे हैं. करेक्ट. रात देश 28 जुलाई को जाइए और देखिए. थैंक यू.